हेलो व्यूवर्स हाउ आर यू ऑल होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल वेलकम बैक टू लेवल अप सो आज हम आ गए हैं एक नया टॉपिक लेके जिसका नाम है करिकुलम कंस्ट्रक्ट करने के प्रिंसिपल्स यानी कि जब करिकुलम बनता है तो उसमें क्या चीजें ऐसी हैं जो फॉलो होनी चाहिए जिससे हमारा करिकुलम जो है वो बहुत ही बेस्ट टू तो बेस्ट प्रिपेयर हो एंड एस पर द नीड ऑफ टूडे प्रिपेयर हो जिस जो प्रिंसिपल पहले फॉलो किए जाते थे वो प्रिंसिपल माइड भी हो सकता है आज की डेट में एप्लीकेबल ना हो पाए बिकॉज इन एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत हद तक चेंज हो चुका है इस वजह से जो एजुकेशन सिस्टम को यूजफुल हो उस तरीके से करिकुलम प्रिपेयर हो और जिसकी वजह से हम कुछ प्रिंसिपल्स जो है उसे फॉलो करेंगे जैसे कि पहला प्रिंसिपल कहता है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम बनना चाहिए जैसे पहले के जमाने में होता था जो करिकुलम बनता था वो ज्यादातर हम टीचर सेंट्रिक बनाते थे यानी कि टीचर किस तरीके से उसे फॉलो करेगा टीचर को किस तरीके से पढ़ाने में आसानी होगी प्लस टीचर जो है किसको कन्वीनियंट है पढ़ाने में किस वे में कन्वीनियंट है लेकिन आज की डेट में जो है वो बेसिकली जो एंटायर एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड सेंट्रिक हो चुका है हम ये देखते हैं कि आ, आपने कुछ रूल्स भी देखे होंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड के ऊपर बहुत बर्डन नहीं आना चाहिए स्टडीज का और प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सो मेनी और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने चाइल्ड को दिमाग में रखते हुए अप्लाई की है इस वजह से हमारा जो आज का एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल ही चाइल्ड सेंट्रिक हो चुका है इससे हमें ये पता चलता है कि हमें जो भी करिकुलम बनाना है वो चाइल्ड को ध्यान में रखते हुए बनाना है कि चाइल्ड किस चीज को एंजॉय करेगा कौन सी ऐसी चीज है जो चाइल्ड को बेनिफिट देगी इन एजुकेशन सिस्टम में लॉन्ग रन में प्लस ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो इन फ्यूचर भी चाइल्ड के काम आए तो बिल्कुल ही चाइल्ड सेंट्रिक होना जरूरी है थियोरिटिकल नॉलेज ली वो तो ली प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट ये नॉलेज रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे अप्लाई करनी है तो और ये रियल लाइफ सिचुएशन से हम कैसे कनेक्ट करें तो हमारा करिकुलम उसे फॉलो करते हुए बनना चाहिए जो हम थ्योरी ले और प्लस जो प्रैक्टिकल है वो बिल्कुल डिफरेंट हो तो चाइल्ड को हो सकता है इन फ्यूचर उसे रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करने में डिफिकल्टी हो ओके okay, सो so इस वजह से जो भी प्रिंसिपल हम करिकुलम uh, में फॉलो करें वो इस तरीके के करिकुलम जो है वो इस तरीके से बने कि वो रियल लाइफ सिचुएशन में बहुत अच्छे से अप्लीकेबल हो जाए नेक्स्ट कम्स प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एबिलिटी अब जो हमारा करिकुलम है उसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज डाल दे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डाल दे और भी उससे उसमें क्या होता है चाइल्ड के लिए काफी सारी अपार्ट फ्रॉम मेबी स्टडीज या फिर एक्स्ट्रा को करिकुलर इन सब चीजों को जब हम ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे चाइल्ड की जो क्रिएटिविटी है उसे निखारने में हेल्प करेगा जो हमारा करिकुलम है और हमें यह भी पता चलेगा कि किस कौन से स्टूडेंट की कितनी एबिलिटी है ओके okay? सो so, हमारा जो करिकुलम है वो क्रिएटिविटी बेस्ड भी होना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव भी होना चाहिए यानी कि सिर्फ एक्टिविटीज डाल दी ये नहीं जो एक्टिविटीज है वो कंस्ट्रक्टिव अच्छे काम मतलब वो हमें बेनिफिट दे हमें कंस्ट्रक्टिव मतलब जो प्लस पॉइंट है स्टूडेंट में उसको एड करे नेक्स्ट कम्स जो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन विथ प्ले वर्क एक्टिविटी जो एडुकेशन है वो बेसिकली चाइल्ड के लिए ऐसा बना दे कि वो बिल्कुल ही प्ले uh, करते करते या फिर किसी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी करते करते वो अपनी स्टडीज को एंजॉय करे हम अगर उसे एक बर्डन बना के कि किसी को भी पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बात है जो बच्चा है वो एंजॉय नहीं करेगा प्लस वो आधी चीजें याद रखेगा आधी चीजें वो भूल जाएगा एंड वो स्टडीज से डरेगा भी वो स्टडी उसे बर्डन लगेगी लेकिन अगर हम उसी करिकुलम को ऐसा बना दे कि बच्चा खेलते कूदते एक्टिविटीज करते प्रोजेक्ट्स करते सीख जाए तो वो चीजें जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए याद भी रहेंगी प्लस वो बच्चे में क्रिएटिविटी भी डेवलप करेंगी सो so ये प्रिंसिपल भी करिकुलम में होना बहुत जरूरी है नेक्स्ट कम्स द प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन अगर हमने किसी भी तरीके की नॉलेज ली एडुकेशन ली लेकिन अगर हमें अपने कल्चर के बारे में ही नहीं पता है तो हमारी नॉलेज कहीं ना कहीं हाफ डन है मतलब वो पूरी नहीं है तो इस वजह से जो करिकुलम है उसमें कहीं कहीं ना कही, कल्चरल सिविलाइजेशन भी आना जरूरी है यानी कि हमने क्लासरूम में बैठा सीख लिया सिर्फ ये नहीं होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम क्लासरूम हमें ऑल टोटल एक्सपीरियंस अदर चीजों का भी लेना चाहिए जैसे कभी कभी हम फील्ड में गए और वहां पे हमने कुछ चीजें सीखी प्लस लाइब्रेरी में जाना न्यू बुक्स एक्सप्लोर करना प्लस प्रोजेक्ट्स करना जिससे हम टीचर के कांटेक्ट में आए बहुत क्लोजर कांटेक्ट में और जिससे हम और भी स्टूडेंट से सीखे ग्रुप एक्टिविटीज करें तो इस तरीके से ऑल टोटल एक्सपीरियंस होना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज़रूरी है सिर्फ क्लासरूम में बैठा और ब्लैक बोर्ड देखा लेक्चर अटेंड किया और घर चले गए इतने से हमारा जो एडुकेशन है वो कम्प्लीट नहीं होगा इस वजह से जो एक्सपीरियंस है वो हम एक्टिविटीज डाल के या फिर और भी एक्स्ट्रा क्लासेस को ऐड करके उसमें हम ऑल टोटल एक्सपीरियंस बच्चे के लिए क्रिएट कर सकते हैं नेक्स्ट कम्स द प्रिंसिपल ऑफ इन्वॉल्विंग हेल्थ एंड कंडक्ट ऑफ पैटर्न नाउ अगर हम एक एजुकेटेड और एक अनएजुकेटेड इंसान को देखेंगे तो बिहेवियर में चेंज समझ में आएगा हमें प्लस जो बोलने का वे है इन सब चीजों में हमें डिफरेंस पता चलता है तो जो भी एजुकेटेड पर्सन है हमारा करिकुलम इस तरीके का हो कि उसे बिहेवियर uh, पैटर्न जो है वो अच्छा मतलब बच्चे में एक अच्छा बिहेवियर पैटर्न लाए प्लस वो अपने अदर चीजों से भी भी मिले जैसे कि कौन कौन सी सी चीज चीज हमारे हमारे लिए लिए अच्छी है कौन सी लिए बुरी है है बुरी ये सब चीजों को भी बच्चा समझ सके next comes, जो next principle है, वो ये बोलता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी ऑफ फॉर चाइल्ड एंड सोसाइटी नेचर यानी कि हम जब किसी इंसान को एजुकेशन दे रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो इंसान हमारी सोसाइटी को इन फ्यूचर में उस एजुकेशन से बेनिफिट दे तो जो भी हमारा करिकुलम है वो इस तरीके का हो कि जब बच्चा वो एजुकेशन को फॉलो कर ले तो वो इन फ्यूचर सोसाइटी के लिए कुछ प्लस पॉइंट लाए जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टूडेंट ने एजुकेशन लिया इन फ्यूचर सपोज जाके अगर वो साइंटिस्ट बना या फिर उसने किसी चीज का रिसर्च किया किसी चीज का इन्वेंशन किया जो सोसाइटी के लिए बेनिफिट हुआ तो हम ये समझेंगे कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो वाकई में कुछ अच्छा करिकुलम मतलब जो हमारा करिकुलम है वो वाकई में कुछ अच्छा है जिसकी वजह से बच्चा इतना सोच सका तो हमारा जो करिकुलम है वो हमेशा इस तरीके का हो कि जब बच्चा एडुकेशन ले तो वो हमारे सोसाइटी को भी बेनिफिट दे हमारे नेचर को भी दे यानी कि आज की डेट में जब हम देखें तो हमारे स्कूल्स uh, में एक नया सब्जेक्ट आ चुका है जो है जो एनवायरमेंट वो हम बहुत से लेके आजकल कॉलेज लाइफ तक भी पढ़ रहे इवन कभी कभी तो हमें प्रोफेशनल में भी ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है सो so, ये देने का बस एक ही रीजन है कि जो बच्चा इसके बारे में पढ़े उसे पता चले कि आज की डेट में नेचर या फिर एनवायरमेंट की क्या कंडीशन है और हमें किस तरीके से उसे प्रोटेक्ट करके रखना है तो जो जो भी हमारा करिकुलम बने वो बेसिकली इस प्रिंसिपल में ये बोला जा रहा है कि जो करिकुलम है वो इस तरीके का बने कि एडुकेशन देने के बाद एक चाइल्ड जो है वो सोसाइटी की हेल्प करे और प्लस हमारे नेचर से रिलेटेड या जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हमें सोसाइटी को चाहिए उसमें बेनिफिट दे नेक्स्ट कम प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग अगर हम सिर्फ आज की डेट को देख के करिकुलम बनाएंगे तो वो करिकुलम आज तो हेल्पफुल होगा लेकिन आज हमें बेनिफिट देगा लेकिन जो बच्चा आज एडुकेशन ले रहा है वो फ्यूचर में चल के उस एडुकेशन को या फिर उस नॉलेज को अप्लाई करेगा इस वजह से जो हमारा करिकुलम है वो हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए हमारा जो करिकुलम है वो इस स्टैंडर्ड का होना चाहिए कि हमें ये आ, जो एडुकेशन हम दे रहे हैं उससे बच्चा आगे 10-15 साल 20 साल तक वो एडुकेशन को यूज कर सके यानी कि अगर फ्यूचर में हमें ऐसा आज लग रहा है कि फ्यूचर में एजुकेशन सिस्टम इस तरीके का हो जाएगा तो हमें उस चीज को ही ध्यान पे रख के करिकुलम बनाना है बहुत ही आउटडेटेड और ओल्ड करिकुलम जो होगा वो बच्चे को बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं दे पाएगा नेक्स्ट कम्स द प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी एंड फ्लेक्सीबिलिटी यानी कि जो करिकुलम है अगर उसमें वेराइटीज नहीं होगी तो कैसे चलेगा अगर करिकुलम हम बना रहे हैं

कोई भी करिकुलम इतना रिजिड है कि वो चेंज लेने में बहुत टाइम ले रहा है या फिर एक लंबा प्रोसेस ले रहा है तो हमारा करिकुलम कहीं ना कहीं लैकिंग है तो करिकुलम हमेशा इस तरीके से डिजाइन हो कि वो फ्लेक्सिबल है जब हम चाहें उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस या मैक्सिमम चेंजेस अप्लाई कर सकें नेक्स्ट कम्स प्रिंसिपल ऑफ इन्वॉल्विंग ऑल लाइफ एक्टिविटीज हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी लाइफ के एक्टिविटीज को इसमें जोड़े जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को हमने बोला प्रोजेक्ट बनाइए और क्लास में प्रेजेंट कीजिए इससे क्या होगा इन फ्यूचर वो बच्चा जब जॉब करने जाएगा तो उसे जॉब में किस तरीके से प्रेजेंटेशन देना है उसका एक आइडिया हो जाएगा प्लस उसका जो स्टेज फेयर है वो कम हो जाएगा तो इससे क्या होता है बच्चे को एक रियल लाइफ से एक्टिविटीज से रिलेटेड एक हेल्प मिली तो इसी तरीके की चीजें को हम अपने करिकुलम में ला के बच्चे को लाइफ फ्यूचर लाइफ एक्टिविटी के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं नेक्स्ट कम्स प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फॉर लेजर टाइम जब हम अपने करिकुलम में कुछ एक्टिविटीज ऐड करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ऐड करेंगे तो हो सकता है बच्चा उस पर्टिकुलर चीज को बहुत इंटरेस्ट ले और वो अपने फ्री टाइम में उस चीजों को करना शुरू कर दे जिससे हो सकता है कि वो उसकी एक प्रॉपर स्किल बन के इन फ्यूचर आए वो फ्यूचर में उसी को अपना प्रोफेशन बना ले ठीक है ना तो जो फ्री टाइम है उसको भी बच्चा यूज करे और उसमें कुछ क्रिएटिव करे इस तरीके का करिकुलम होना बहुत जरूरी है नेक्स्ट कम्स Principle of democratic values. इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री सबको पता है तो डेमोक्रेसी में किस तरीके की चीजें फॉलो की जाती हैं उसे नॉलेज होना बहुत जरूरी है तो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी से रिलेटेड भी एडुकेशन बच्चे के अंदर आए इस ऐसा करिकुलम हमें डिजाइन करना बहुत जरूरी है ताकि वो जान सके कि हमारी कंट्री क्या फॉलो करती है प्लस वो कैसे चलती है नेक्स्ट कम्स प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन अदर सब्जेक्ट अगर हम किसी करिकुलम को बनाए और वो सिर्फ एक ही चीज को फॉलो कर रहा है सिर्फ एक ही पैटर्न में चल रहा है तो वो बोरिंग भी हो जाएगा प्लस वो एक आधी अधूरी नॉलेज देगा तो जो भी करिकुलम बने वो एक दूसरे से रिलेटेड हो यानी कि अगर कोई बच्चा ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो उसे ये ना फील हो कि मुझे इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली जब हम ज्योग्राफी के आंसर्स लिखेंगे तो उसमें हमें इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी ओके या फिर हम जब ज्योग्राफी में कुछ कर रहे हैं कैलकुलेशन वगैरह तो हमें मैथ्स की जरूरत पड़ेगी तो जो भी हम सब्जेक्ट करिकुलम में डालते हैं वो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो हमारा करिकुलम इस तरीके से बनना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल सब्जेक्ट एक बच्चा कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है और उसी में ही वो प्रॉपर तरीके से पढ़ रहा है बाकी सब्जेक्ट का रिलेशन उसे समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा जो भी सब्जेक्ट है वो एक दूसरे से रिलेटेड होना बहुत जरूरी है ओके और इससे क्या होता है एक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है उसे हर चीज के बारे में नॉलेज होगी उसकी मैथ्स भी स्ट्रांग होगी उसकी इंग्लिश भी स्ट्रांग होगी प्लस वो जो और सब्जेक्ट पढ़ रहा है वो भी स्ट्रांग होगा ओके तो ये जो है ये प्रिंसिपल फॉलो करते हुए ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है जिसको फॉलो करते हुए अगर हम अपना करिकुलम बनाएंगे तो हम एक बेस्ट टू बेस्ट करिकुलम प्रिपेयर कर सकते हैं होप करते हैं आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे